हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमेटा में। और आज के इस वीडियो में हमारे पास ये MZ का ब्लूटूथ स्पीकर, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके सारे फीचर्स वगैरह, कैसे इसकी साउंड क्वालिटी, कैसा इसका बैटरी बैकअप, सारी चीज़ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जल्दी फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करने थे। अनबॉक्सिंग करने से पहले जो है बॉक्स आपको इस टाइप का मिल जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आपको इसे परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्पीकर का, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इधर से ओपन होगा, इधर से ओपन होगा, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर हमको हमारा स्पीकर मिल चुका है। खुल गया, खुल गया, ठीक है। ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। और एक चीज़ और इसमें, ये एक हमको चार्जिंग केबल मिल जाती है, माइक्रो USB जो है हमको इसमें चार्जिंग केबल मिल जाती है, ठीक है। बस इतना ही मिलता है और कुछ नहीं है। तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। बिल्ड क्वालिटी ठीक लग रही है मेरे को, काफ़ी सही है। ब्लूटूथ पे देखते हुए 500 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा, उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है बिल्ड क्वालिटी। ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट वेट है, मतलब ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, एवरेज टाइप का ही है। और स्पीकर के पीछे हमको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, इसकी वजह से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बराबर में ये इंडिकेटर है, उसके बराबर में ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, उसके बराबर में दो स्लॉट और दे रखे हैं हमको, जिसमें हम माइक्रो SD या फिर अपनी पेन ड्राइव से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें ऊपर की तरफ हमको कुछ इसमें बटन मिल जाते हैं, से पहला वाला बटन है, इसमें मोड चेंज कर सकते हैं, इसकी वजह से मतलब ये ब्लूटूथ से माइक्रो SD पे या फिर USB पे स्विच कर सकते हैं। FM रेडियो के लिए भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर भी आप स्विच कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके बराबर में हमको दो बटन और मिल जाते हैं, ये प्लस और माइनस वाले वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, जिनकी वजह से वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज तो कर ही सकते हैं और गाने को भी नेक्स्ट प्रीव्यूस कर सकते हैं। ये लास्ट वाला जो एक बटन है, ये डेडिकेटेड बटन है इस फ्लैशलाइट के लिए, इसकी वजह से जो है लाइट को ऑन या ऑफ बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वो ये चीज़ मुझे काफ़ी ठीक लगी, इसके एक अलग से बटन दे दिया और बहुत ही आसानी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये लाइट मिल जाती है, इसकी लाइट की टेस्टिंग करेंगे कि भाई कितना लाइट वाइट दे देती है हमको, रात में काम में आती भी है नहीं आती, वो भी टेस्ट करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो उसमें बीच में गैप दे रखा है, ये इस गैप में जो क्या होता है, आप अपना कोई भी फ़ोन वगैरह है वो आराम से इसमें प्लेस कर सकते हैं और म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन आपका फ़ोन अगर ज़्यादा पतला हुआ तो इसमें फिट नहीं होता है, थोड़ा कवर ओवर लगा के इसमें फिट बैठेगा, मतलब डायरेक्ट फ़ोन का अगर बहुत ज़्यादा सिली गया तो उसमें से निकल जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा कवर ओवर लगा के लाओगे तो आराम से लग जाता है, तो वो इसलिए मोबाइल स्टैंड का भी काम कर जाता है ये। इधर हमको ये एक तरीके से ये स्पीकर नहीं है, स्पीकर हमारा सामने की तरफ लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा बेस में हेल्प करता है इसकी, इससे वजह से बेस काफ़ी अच्छी आ जाती है इसकी। तो हम आवाज़ टेस्ट करके दिखेंगे, चलिए पहले आवाज़ टेस्ट कर लेते हैं इसकी कैसी है इसकी आवाज़। तो जल्दी से मैं इसमें गाना बजा के आपको दिखा देता हूँ। आवाज़ तो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसकी साउंड क्वालिटी सच में मुझे काफ़ी ठीक लगी। एक रूम के अंदर अगर उसको आप बजा रहे हो तो सच में काफ़ी अच्छा एक साउंड आपको मिल जाता है इसकी मदद से। तो सच में साउंड तो मुझे काफ़ी ठीक लगी रुपये देखे हुए। पहले बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप के बारे में, तो चार्ज होने में लगभग इसकी बैटरी को जो है 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि इसकी बैटरी है 1200 mAh की है। इस पर कहीं लिखा हुआ भी था, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है 1200 mAh की इसमें लिथियम बैटरी पड़ी हुई है, जिससे चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। फुल चार्ज होने का कोई इंडिकेटर नहीं आता है इसमें कि भाई फुल चार्ज हो गया तो इसको रिमूव कर दो, अपने हिसाब से 1.5 घंटे तक आप चार्ज कर लो, 4-1.5 घंटे में आराम से फुल चार्ज हो जाएंगी। और जो बैटरी बैकअप इसका जो 1200 mAh बैटरी का जो है वो लगभग 4-5 घंटे आराम से चल जाती है। तो ये बैटरी तो ठीक लगा मेरे को, आप फुल वॉल्यूम में सुनते हो तो काफ़ी अच्छा आपको बैटरी को मिल जाता है। स्पीकर में ये वाली चीज़ जो है एंटीना की तरह काम करती है, अगर आप FM रेडियो वगैरह सुन रहे हैं तो ये आपका जो है एंटीना की तरह काम करेगी, आपकी सिग्नल को थोड़ा कैच करने में इसमें मदद करेगी। और स्पीकर में जो टॉर्च रखी है, हमें इसकी भी टेस्टिंग की, इंडोर आउटडोर में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर जाती है, लेकिन आप बहुत दूर का इससे नहीं देख सकते, लेकिन आसपास की चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हैं। घर के काम करने के लिए तो सच में काफ़ी ठीक है इसकी लाइट। बात तो इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये 500 रुपये के अंदर आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है। आप लोकल मार्केट में ढूंढेंगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, पर ऑनलाइन जो है आपको 400-500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खेलिए, बाय।